एवरीवन, आप देख रहे ट्रू स्कूप और मैं हूं परिणा खन्ना। सो 2021 आने वाला है और 2020 यानी कि जो भी साल चल रहा है और ख़त्म होने वाला है, ये साल इतना अच्छा नहीं गया क्योंकि पैंडेमिक आ गया और बहुत ऐसी चीज़ें आई कि हर एक इंसान के लिए ये साल अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा गया और इस साल ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ऐसे ही कुछ लोगों से आज आपको इस वीडियो में हम मुलाकात करवाने वाले हैं। सबसे पहले मिलवाते हैं जलंधर की यानी कि पंजाब की बेटी कुसुम से, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ चोरों का सामना किया और अपना मोबाइल बचाया। पूरी कहानी क्या है इनसे जानते हैं। 15 साल की है। हाय कुसुम। हेलो। सो कुसुम, अगस्त में आपके साथ ये हादसा हुआ था, जब जो भी प्रॉपर था प्लीज थोड़ा सा बताइए। मैं ना वहाँ से ट्यूशन से निकली तो ना मैंने अपने पापा को फोन करने लगी थी कि पापा मैं ट्यूशन से निकल गया, जस्ट मैं अभी नंबर ही निकाल रही थी, उतने में ये पीछे से आए, फिर ये मतलब कि आगे चले गए, फिर ये मुड़ के आए, इन्होंने मेरे हाथ से फोन छीना और भागने लगे जी। फिर मैं इनके पीछे भागी, उसके बाद में ना इन्होंने ना कई बार मतलब कि चाकू से हमला किया, लगी नहीं बट बाद में ना अचानक से लगी, मेरा हैंड, ये जो हैंड है ना ये पूरा ऐसे नीचे हो गया। अच्छा। थोड़ा सा जुड़ा था बस, उस टाइम बहुत क्रिटिकल्स था वो था, हाँ सिचुएशन क्रिटिकल थी। उसके बाद मैं जोशा हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर उन्होंने फ्री मतलब कि इलाज किया। और उसके अलावा आपने उनका सामना किया, मोबाइल भी आपके पास वापस आ गया है ना। हाँ जी। गिरफ्तार भी हो गए, वो सब भी हुआ, हमने देखा वीडियो भी वायरल हुई थी। सो उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदली? आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई है ना, खबरों में भी थे, ज़िंदगी कैसे बदली वो जानते हैं। लेकिन उससे पहले बताइए कि आपके घर में कितने लोग हैं और क्या करते हैं आपके पिता? मेरे पापा लेबरिंग का काम करते हैं, मम्मा हाउस वाइफ है और दीदियाँ और एक भाई है। सो अब बताइए कुसुम कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल के रख दी इस इंसिडेंट्स ने? मेरे को इतना नहीं था कि होता रहता ही है, तो कईयों के साथ होता पर कईयों की वीडियो नहीं वायरल होती, ये सब नहीं होता, बट मेरी वीडियो वायरल हुई, मेरे किस्मत में होगा ये। बिल्कुल। और सपोर्ट सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से क्या, कैसा सपोर्ट जो है आपको देखने को मिला? सरकार ने भी बहुत हेल्प की और मतलब कि 2 लाख रुपये सरकार की तरफ से मिले हैं और कई जगह से हेल्प आई, अमेरिका से वगैरह, मतलब कि बहुत हेल्प आई। ब्रांड एम्बेसडर वाला भी आप बता दें। और मैं मतलब कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुकी हूँ। बहुत बढ़िया बात। तो मतलब हम आप ये मानते हैं कि ये साल आपके लिए अच्छा गया? यस। ठीक है, हर साल बढ़िया ही जाता है सबके लिए, पर ये साल कुछ ज्यादा खास था। ये साल कुछ ज्यादा ही खास था। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जिनके लिए 2020 बहुत अच्छा हुआ और वो एक स्टार बन गए, और वैसे ही हमारे साथ अभिजीत भंडारी मौजूद हैं, हु इज़ द विनर ऑफ वॉइस ऑफ पंजाब 11। कंग्रेचुलेशंस अभिजीत। थैंक यू सो मच मैम। सो हाउ इज़ द फीलिंग? फीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत फीलिंग है, और सबसे ज़रूरी शुक्राने की फीलिंग है बस हर टाइम। बिल्कुल। सो ये पूछना तो मतलब सही नहीं होगा कि आपके लिए 2020 ने क्या बदला, राइट? ये तो हम जानते हैं कि 2020 आपके लिए एक अच्छी और अच्छा ईयर साबित हुआ है, राइट? तो जैसे ही आप विनर बने उसके बाद आई थिंक 1-2 हफ्ते हो चुके हैं, क्या चेंजेस दिख रहे हैं? चेंजेस यही हैं कि मुझे खुद में पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है लोगों को फेस करने का, लोगों के सामने परफॉर्म करने का, क्योंकि स्टूडियो में या स्टेज पे परफॉर्म करना एक बिल्कुल ही अलग सीन है और लोगों के सामने होते हुए परफॉर्म करना एक बिल्कुल ही अलग सीन है। तो उस चीज़ में मेरे को अपने कॉन्फिडेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट महसूस हुई है। सो अभी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया पर तो वैसे ही बहुत चीज़ें बढ़ जाती हैं एकदम से, तो फ़ैन फॉलोइंग कितनी बढ़ रही है, कैसे मैसेजेस आते हैं, कैसा फील होता है? अच्छे अच्छे मैसेजेज आते हैं, लोग बताते हैं कि हमने आपको टीवी पर देखा था, आप अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा फील होता है कि लोग मुझे जान रहे हैं, मेरे नाम के बारे में लोगों को पता चल रहा है। बाकी फैन फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, सफ़र लंबा है, चलता रहेगा। सफ़र लंबा है लेकिन मंजिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल, ये तो बात सही है। तो अब मुझे आप बताइए, एक तो हम आपसे गाना ज़रूर सुनेंगे, ठीक है, उसके अलावा मानते हैं कि 2020 आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, राइट? जी, ये तो बात सही है। 2020 में मतलब मेरे लाइफ का सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट अब तक करा है, आगे और भी आएंगे, लेकिन इस साल का यह सबसे बढ़िया पार्ट था मेरे लिए वॉइस ऑफ पंजाब जीतना। सो एक गाना। तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरा तावीज जन्नत है, ओ जन्नत है तेरा मुखड़ा, तेरी हर चीज जन्नत है,
ओ जन्नत है तेरा मुखड़ा, तेरी हर चीज जन्नत है, हो तेरे पैर भी जन्नत है, हो तेरे शहर भी जन्नत है, हो असी पी जाने इको सा, हो तेरे जहर भी जन्नत है, ओ जन्नत है तेरी गलियां, तेरी दहलीज जन्नत है, ओ जन्नत है तेरा हंसना, तेरी हर चीज जन्नत है। बहुत बढ़िया एंड कंग्रेचुलेशंस एंड वी विश यू वेरी लक। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अभिजीत। इस बुजुर्ग महिला का नाम है कमलेश, उम्र 70 साल, जो कि जलंधर के फगवाड़ा गेट की सड़कों पर बैठकर शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक पराठे बनाती हैं। कमलेश ये काम आज से नहीं बल्कि पिछले 27-28 सालों से करती आ रही हैं। लेकिन 2020 में वह काफी ज्यादा चर्चा में आ गई। दरअसल एक व्यक्ति ने इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसके बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से दिलजीत दोसांझ और गिप्पी गरेवाल जैसे कई सितारे सामने आए और इनकी मदद के लिए आगे भी आए। उसके बाद से कमलेश जी को काफी मदद भी मिली। इनकी वीडियो वायरल होने के बाद सितारों ने इन्हें काफी मदद भी की और इसी तरह से इनके लिए 2020 बना एक अच्छा साल।